वेलकम डियर ऑकर्ड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मूवी जो आपको हिला के रख देगी। मूवी का नाम है बर्लिन सिंड्रोम और ये एक ए रेटेड मूवी है, तो इसको अगर आप 18 साल से कम के हो तो मत देखिए। मूवी की शुरुआत में कहानी की हीरोइन क्लेयर को दिखाते हैं, जो एक ऑस्ट्रेलियन है। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और दूसरे कॉन्टिनेंट्स और देशों को एक्सप्लोर करना उसका पैशन है। इस बार वो बर्लिन आई है। बर्लिन आते ही वो सबसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, जिससे पता चलता है कि वो अकेलेपन से जूझ रही है। बर्लिन में पहली रात वो एक बिल्डिंग की छत पर गुजारती है, जहाँ पर कुछ अजनबी भी होते हैं। सुबह की पहली किरण को देखते ही वो उस नेचुरल लाइट में सिटी की फोटोज खींचती है। अगले दिन क्लेट सिटी में घूमती है और मार्केट से हैंडक्राफ्ट की चीजें खरीदती है। कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद वो एक बुक शॉप में जाकर गस्टव किलमेट नाम के राइटर की बुक देखने लगती है। कुछ देर बाद वो स्टोर से बाहर जाते वक्त एंडी नाम के एक आदमी से टकराती है। दोनों सॉरी कहकर कैजुअली बात करने लगते हैं। पहली मुलाकात में क्लेयर को एंडी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है और देखते देखते दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। क्लेयर बताती है कि वो यहाँ जर्मन आर्किटेक्चर के बारे में जानने आई है और वो इस बारे में एक बुक पब्लिश करना चाहती है। एंडी को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो बताता है कि मैं तो एक स्पोर्ट्स स्कूल में साधारण सा इंग्लिश टीचर हूँ। अब उस रात एंडी क्लेयर को उसके होटल में ड्रॉप कर लेता है, तो क्लेयर बताती है मैं कल ड्रेसडन सिटी जाने वाली हूँ। दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन एंडी रुक जाता है और उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। अगले दिन क्लेयर ड्रेसडन नहीं जाना चाहती। वो उसी बुक स्टोर में जाकर एंडी को ढूंढती है और एंडी वहाँ गस्टव किलमेट की बुक देख रहा होता है। ये देखकर क्लेयर एकदम हैरान रह जाती है, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश भी होती है। फिर दोनों एक लोकर बार में बियर पीते हैं और क्लेयर अपनी फोटोग्राफी के बारे में उसको सब कुछ बताती है। लेकिन एंडी वो तो एक नई जनरेशन का आदमी है और ईस्ट जर्मनी की पॉलिटिकल सिचुएशन में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अब क्लेयर को लगता है कि शायद एंडी के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से वो इन बातों को पसंद नहीं करता है। बातों के बीच वो क्लेयर के गले में एक वेडिंग बैंड देखता है। क्लेयर की माँ ने उसको एयरिंग दिया था कि अगर बर्लिन में पैसों की जरूरत पड़े तो इसको बेच देना। क्लेयर को अब एंडी के बारे में जानने की उत्सुकता होती है और एंडी उसको अपने घर लेके जाता है। उसका अपार्टमेंट एक पुरानी बिल्डिंग में है। उस जगह को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ एंडी के अलावा और कोई नहीं रहता। तभी क्लेयर नोटिस करती है कि घर का एक भी ग्लास डोर खुला नहीं है। वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी एंडी उसको किस करने लगता है और दोनों उसके कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर एंडी कहता है मैं चाहता हूँ हम हमेशा ऐसे ही रहें, दो अजनबियों की तरह। क्लेयर भी वही बात दोहराती है। अगले दिन एंडी अपने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहा होता है। उसने बच्चों को वीकेंड में कोई किताब पढ़ने को कहा था। तभी वो फ्रांका नाम के स्टूडेंट से पूछता है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस किताब के बारे में बताने लगती है, हालांकि उसकी इंग्लिश बहुत कमजोर होती है। यहाँ एंडी के अपार्टमेंट में क्लेयर उठकर अपनी ड्रेस पहन लेती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। वो चाबी ढूंढती है, लेकिन लगता है एंडी चाबी साथ लेके गया। चाबी न मिलने पर क्लेयर अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बंद कमरा है, बाथरूम में रेड नेल पॉलिश है और एंडी के स्कूल की एक फोटो भी होती है। क्लेयर दिन भर घर में बंद पड़ी रहने की वजह से बड़ी तंग आ जाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली है। स्कूल के बाद एंडी घर जाने लगता है, तो उसके फ्रेंड्स पीटर और जना उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो किसी काम का बहाना करके निकल जाता है। जब वो घर लौटता है तो क्लेयर उसे चाय बनाकर देती है और कहती है मुझे घर की चाबी नहीं मिली। एंडी कहता है मैं चाबी टेबल पर छोड़ना भूल गया। क्लेयर को उसकी बात एकदम नॉर्मल लगती है। फिर दोनों क्लब में जाते हैं, दोनों साथ सोते हैं और सुबह एंडी ड्रेसर पर क्लेयर के लिए एक चाबी छोड़ देता है। उसके जाने के बाद क्लेयर उठकर ब्रेकफास्ट के लिए किचन में जाती है। वहाँ उसको गस्टव किलमेट की दूसरी बुक मिलती है, जिसमें एक औरत की फोटो रखी है जिसकी पीठ पर माइन करके लिखा हुआ है। अब क्लेयर घबराकर अपनी पीठ चेक करती है, तो वही शब्द लिखा होता है। वो ड्रेसर पर पड़ी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता, ना ही विंडोज खुलते हैं। वो अपना सेल फोन चार्ज करके कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी ने सिम ही निकाल दिया। अब क्लेयर को एहसास होता है कि वो इस अपार्टमेंट में मेहमान नहीं बल्कि बंदी बनाकर रखी गई है। वो चेयर से विंडो ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये फोर्टिफाइड ग्लास है जो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। ऐसा लगता है एंडी को पहले से पता था कि क्लेयर क्या क्या कोशिशें करेगी। क्लेयर दरवाजे पर एंडी का इंतजार करने लग जाती है। जब एंडी घर आता है तो क्लेयर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। क्लेयर उसे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वो चुप रहता है और विंडो ग्लास का क्रैक देख लेता है। वो क्लेयर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, सिर्फ कहता है कि अगर दोबारा ग्लास तोड़ने की कोशिश की तो हर तरफ वुडन बोर्ड से बंद करके रख दूंगा, बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं आएगी। ये कहकर एंडी दोनों के लिए डिनर बनाने लग जाता है। ऐसा लगता है उसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है।
क्लेयर पूछते कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे बाहर जाने दो। पर एंडी कुछ भी नहीं बोलता। अब क्लेयर का दिमाग फिरने लग जाता है और वो एंडी से लड़ने लगती है कि अभी दरवाजा खोलो, तुम जितना चाहो चिल्ला सकती हो, तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। अब उससे लड़कर क्लेयर थक जाती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। एंडी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त होता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एंडी अपने पिता से मिलने जाता है जो लेक्चर दे रहे होते हैं। फिर एंडी उनके लेक्चर से बोर होकर क्लेयर की फोटोज देखने लगता है जो उसने खुद ली थी। लेक्चर के बीच में एंडी के पिता ईस्ट जर्मनी के बारे में उसकी राय पूछते हैं। लेक्चर के बाद एंडी बताता है, मुझे मेरी पसंद की एक लड़की मिली है। लेकिन बेटा तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? पापा वो कनाडा वापस चली गई है और मेरी नई गर्लफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से है। अब उसके पापा पूछते हैं कि तुम हमेशा फॉरेन टूरिस्ट को ही अपनी गर्लफ्रेंड क्यों चुनते हो, लेकिन इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। पिछले कुछ दिनों से एंडी क्लेयर को बेड पर बांध कर रखा हुआ है और नीचे एक टॉवल के अलावा कुछ नहीं होता। एक रात जब वो घर वापस आता है तो घर की चाबी एक लॉकर में डालकर रखता है जिसमें क्लेयर की डॉक्यूमेंट्स हैं। वो क्लेयर को खोल देता है और उसे कोई गिफ्ट देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को भी मैसेज कर दिया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब क्लेयर खड़ी हो जाती है लेकिन वो बिल्कुल टॉयलेट में डूबी होती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरी माँ को जल्द ही पता चल जाएगा क्योंकि मैंने ड्रिंक्स का बिल अपने कार्ड से पे किया था। फिर वो नहाने जाती है तो ड्रेन में सुनहरे रंग के बाल देखती है। मतलब क्लेयर पहली औरत नहीं है जिसे एंडी ने बंदी बनाकर टॉर्चर किया है। एंडी दोबारा क्लेयर को बेड पर बांध देता है और उसकी फोटोज लेने लग जाता है। फिर क्लेयर विनती करती है कि प्लीज मुझे बांध कर क्यों रख रहे हो तुम, मैं वैसे भी कहीं नहीं जा सकती। काम पे जाने से पहले एंडी घर की चाबी लॉकर में बंद करता है और लॉकर बॉक्स को फ्रंट डोर के ऊपर छोड़कर चला जाता है। क्लेयर तुरंत पूरे घर में कोई वेपन ढूंढती है जिसकी मदद से वो यहाँ से बच सके। तभी उसको सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। वहाँ एंडी पीटर और जना से बात कर रहा होता है। जना गलती से एंडी का कप यूज कर लेती है लेकिन फिर सॉरी कहती है और कप धोकर उसको लौटा देती है। कप लौटाते वक्त वह एंडी का हाथ टच करती है। एंडी उसके साथ बड़ा अजीब बिहेव करता है और अपना हाथ धोता है क्योंकि जना ने उसको टच किया था। यह सचमुच साइको ही है। जब वो घर लौटता है तो क्लेयर पजल सॉल्व कर रही होती है जो एंडी उसके लिए लेके आया था। वो एंडी को भी बुलाती है। जब वो बैठता है तो क्लेयर उसके हाथ में चाबी देखती है। जैसे ही एंडी एक पजल पीस को रखने के लिए बोर्ड पर हाथ रखता है, क्लेयर झट से उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है और उसका हाथ टेबल पर ही अटक जाता है। पलक झपकते ही क्लेयर चाबी उठाकर दरवाजा खोल देती है और अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। इसी बीच एंडी स्क्रू ड्राइवर से हाथ छुड़ाकर नीचे भागता है। तभी क्लेयर मेन डोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन एंडी वहां पर पहुंच जाता है और क्लेयर के हाथ पर दरवाजा दे मारता है। क्लेयर की उंगलियां टूट जाती है। दर्द के मारे क्लेयर बेहोशी हो जाती है। अब एंडी उसको उठाकर लिविंग रूम के फर्श पर छोड़कर अपने घाव पर दवा लगाता है। कुछ समय बाद एंडी अपने पिता से मिलने जाता है तो वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारा हालचाल पूछ रही थी और तब हमें पता चलता है कि उसकी माँ किसी वजह से उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। तब से एंडी अपनी माँ से सख्त नफरत करता है। अब एक रात क्लेयर उससे कहती है कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। जिनसे तुम कभी मिल नहीं सकती उन्हें मिस क्यों कर रही हो, तुम्हें माँ की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। इतना वाहियात जवाब देने के बाद एंडी उसकी फोटोज क्लिक करता है और फोटोज लेकर एक सीक्रेट कमरे में चला जाता है और दरवाजा लॉक करता है। क्लेयर को अंदर से अजीब आवाजें आती है। अगले दिन जब एंडी काम पर होता है तो क्लेयर एक पेपर क्लिप से उस सीक्रेट कमरे का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन बदकिस्मती से पेपर क्लिप टूटकर की होल में फंस जाता है। अगर एंडी को पता चल गया तो न जाने वो क्या करेगा। वहाँ एंडी जिम क्लास में फ्रांका को अजीब तरीके से घूरने लग जाता है और फ्रांका भी उसे नोटिस कर लेती है। अब एक रात एंडी लॉकर से कैंची निकाल रहा होता है। तभी एंडी का घाव देखकर पता चलता है कि क्लेयर को यहाँ बंद किए हुए हफ्ते गुजर चुके हैं। एंडी का घाव लगभग ठीक हो चुका है। वो कैंची से क्लेयर के नाखून काटकर उसका बैंडेज खोलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से कभी अटैक नहीं करूंगा, हम दोनों को यहाँ साथ जो रहना है। कुछ देर बाद वो क्लेयर को बाथरूम में नहलाने लग जाता है कि अचानक फ्रांका अपार्टमेंट की बिल्डिंग पर आ जाती है। वहाँ काम करने वाले आदमी ने दरवाजा खोल दिया होता है जिसकी वजह से फ्रांका अंदर आ जाती है। वो एंडी के दरवाजे पर नॉक करती है। यहाँ एंडी क्लेयर को धमकाता है कि अगर तुम चिल्लाई तो मैं फ्रांका को मार डालूंगा। वो बाहर आकर फ्रांका से मिलता है। तभी उसके पीछे क्लेयर भी आती है। एंडी फ्रांका से कहता है कि क्लेयर मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह फ्रांका की इंसल्ट करके वो उसे भेज देता है। उसके बाद वो क्लेयर को बताता है कि इसका नाम फ्रांका है और ये मेरी स्टूडेंट है। फिर वो क्लेयर के बाल काट देता है और फिर एक बार उसकी फोटो लेता है। फिर हमेशा की तरह उस सीक्रेट रूम को खोलने की कोशिश करता है। क्लेयर घबरा जाती है क्योंकि उसका पेपर क्लिप की होल में फंसा हुआ है। अब ये न जाने मेरा क्या करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद एंडी क्लेयर के लिए एक इनरवियर खरीद कर लाता है। क्लेयर के पास अब कोई रास्ता नहीं है, वो मजबूरन उसे पहनकर पोज करने लग जाती है। कुछ देर बाद वो एंडी के साथ फाइट करने की एक्टिंग करती है और बताती है कि तुम इतने अब नॉर्मल क्यों हो। इस पर एंडी उसे बहुत मारता है।
अब क्लेयर अपने कपड़े पहनती है तो देखती है कि बेड के नीचे कटे हुए नाखून पड़े हुए हैं। उस रात एंडी क्लेयर से नाराज होकर अपने पिता के घर चला जाता है। इसी बीच अपार्टमेंट में पावर कट हो जाती है। विंटर की वजह से वहाँ स्नोफॉल शुरू हो चुका है। क्लेयर से ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अगली सुबह एंडी देखता है कि उसके पिता मर गए। एंडी घर को साफ करके अपने पिता के नाखून काटता है। यहाँ क्लेयर नेल पॉलिश लगाती है और गर्म रहने की कोशिश करती है। गैस स्टोव काम कर रहा होता है जिसकी वजह से वो कुछ बनाकर खा लेती है। क्लेयर इस जेल में कैद है, हालांकि अब यहाँ कोई जेलर नहीं है। एंडी अपने पिता की लाश के साथ वहीं कुछ और दिन रहता है। यहाँ क्लेयर अकेले रहने लगती है। अब वो यहाँ से बचने के बारे में सोचती भी नहीं, बल्कि ये सोचने लगती है कि एंडी कब लौटेगा। क्लेयर को उस अपार्टमेंट में हैंडक्राफ्ट की कुछ चीजें मिलती है। लगता है ये उन औरतों की चीजें हैं जो यहाँ पहले रहती थी या बंदी बनाकर रखी गई थी। अपने पिता के घर में सब कुछ ठीक करने के बाद एंडी अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। उसको देखकर क्लेयर चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगा कि एंडी कभी वापस ही नहीं आएगा। जब एंडी उसे अपने पिता की मौत के बारे में बताता है तो वो उसको दिलासा देती है और दोनों साथ ही रात गुजारते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के आते आते दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। वो क्लेयर के लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ बुक्स भी खरीद कर लाता है, जिस पर लिखा हुआ है, मेरे लिए सिर्फ तुम ही परफेक्ट हो। क्लेयर पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। वो कहता है, जब मैंने सड़क पर तुम्हें देखा तो तुम किसी चीज को बड़े गौर से देख रही थी, तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन एंडी, मुझसे पहले तुम जिस लड़की के साथ यहाँ रहते थे उसे तुमने कैसे चुना? अब एंडी झूठ बोलता है कि ऐसी कोई लड़की नहीं थी। देखो एंडी, झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। क्या तुम अब भी उस लड़की के बारे में सोचते हो? एंडी ना में जवाब देता है। अब क्लेयर उसे अपनी बचपन की कहानी सुनाने लगती है, लेकिन एंडी को उस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो क्लेयर को अपने पिता का डॉग गिफ्ट करता है। एक दिन अब वो क्लेयर को जंगल में लेके जाता है। क्लेयर बचने की कोशिश नहीं करती क्योंकि एंडी के पास कुल्हाड़ी है। जब वो क्लेयर को खत्म करने के लिए तैयार होता है तो एक लड़का उसको पुकारता है क्योंकि उसका भाई घायल है। अब एंडी घायल लड़के को देखने जाता है। इसी बीच क्लेयर छोटे लड़के से कहती है कि मैं मुसीबत पे हूँ, प्लीज किसी को मेरी मदद करने के लिए बुलाओ। बदकिस्मती से उस बच्चे को इंग्लिश समझ ही में नहीं आती और वो क्लेयर से घबरा कर अपना हाथ छुड़ा लेता है। अचानक उसकी माँ वहां आकर दोनों बच्चों को बुला लेती है। अब एंडी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर क्लेयर को कार के पास लेके जाता है। फिर वो क्लेयर को डिक्की में घुसाता है और उसे वापस अपार्टमेंट में लेके आता है। क्लेयर और डॉग के बीच का लगाव देखकर भी एंडी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो डॉग को ले जाकर कहीं छोड़ देता है और क्लेयर से झूठ बोलता है कि वो यहाँ से पता नहीं कहाँ गया। अब एंडी पीटर और जना की न्यू ईयर पार्टी में जाता है। वहाँ बड़ी तादाद में लोगों को देखकर एंडी बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। यहाँ क्लेयर आखिर उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल ही लेती है। वहाँ एक फोटो एल्बम में क्लेयर की वो सभी फोटोज होती हैं जो एंडी ने क्लिक की थी। पास में एक रिक्लाइनर मसाज सोफा होता है और क्लेयर जान जाती है कि सोफे से आवाजें आती थी। पास ही एक और एल्बम होती है जिसमें एंडी की बचपन की कुछ फोटोज हैं। एल्बम के एंड में उस लड़की की फोटोज होती है जो क्लेयर से पहले यहाँ पर रहती थी। अचानक क्लेयर को बाहर से आतिशबाजी की आवाज आती है और आखिर नया साल भी आ गया है। वहाँ एंडी को पार्टी में ज्यादा मजा नहीं आता और वो किचन में जाकर डिशेस क्लीन करने लगता है। तभी वहाँ पर जना आती है और कैजुअली बात करने लगती है। एंडी अचानक उससे पूछता है, तुम आदमियों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अब उसका अपमानजनक सवाल सुनकर जना को भी घिन आती है और घबराहट के मारे वो कहती है, तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अभी यहाँ से निकल जाओ। एंडी बाहर जाता है। वो रास्ते में एक टूरिस्ट लड़की को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उसकी इंग्लिश को सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और तभी उसके फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं और वो चले जाती है। एंडी अब घर की ओर ड्राइव करने लगता है और रास्ते भर दूसरी औरतों को देखता ही रहता है। शायद वो अब अपनी अगली टारगेट को ढूंढ रहा है। उसी दौरान यहाँ क्लेयर सामने के अपार्टमेंट में किसी को देखती है। वो किसी तरह उस आदमी को इशारा करती है और वो आदमी जल्दी से अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर इतने में एंडी लौट आता है और उस आदमी के सर पर दे मारता है। अब एंडी उसे लगातार मारकर उसकी जान ही ले लेता है। वो क्लेयर को जबरदस्ती जगह साफ करने को कहता है। फिर दोनों मिलकर उसकी लाश को प्लास्टिक कवर में बांध देते हैं। कुछ देर बाद वो लाश को गार्बेज कैन में घुसाता है और उस पर पेट्रोल डालकर जला ही देता है। अगले सीन में एंडी सारी खिड़कियों को लड़की के कवर से ढक देता है ताकि क्लेयर दोबारा किसी को इशारा न कर पाए। फिर वो पूरे अपार्टमेंट को साफ करता है। बाद में वो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है क्लेयर मिसिंग है। फिर वो क्लेयर को उसकी चीजें पैक करने को कहता है ताकि वो अपार्टमेंट को पूरी तरह सैनिटाइज कर सके। अपनी पैकिंग करने से पहले वो देखती है कि एंडी फ्रांका का टेस्ट पेपर चेक कर रहा है। एंडी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो जानबूझकर अपना हाथ जला लेती है। तभी एंडी उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट लेने बाथरूम में जाता है। इसी बीच क्लेयर फ्रांका का नोटबुक चुराकर सिंक के नीचे रख लेती है। बाद में एंडी टेस्ट पेपर्स और क्लेयर के डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो बेसमेंट में जाकर अपार्टमेंट का पानी बंद कर देता है। अगले दिन एंडी अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर्स और उनके नोटबुक्स लौटाता है। जब फ्रांका अपना नोटबुक खोलती है तो उसमें क्लेयर का फोटो होता है। क्लेयर ने पिछली रात को उसके नोटबुक में अपना फोटो रखा था।
फ्रांका समझ जाती है कि एंडी असल में क्लेयर के साथ क्या कर रहा है। वो बाथरूम जाने के बहाने नोटबुक लेकर जल्दी से क्लासरूम से बाहर जाती है, लेकिन बदकिस्मती से फोटो उसकी बेंच से नीचे गिर जाती है और दूसरे बच्चे उसे देख लेते हैं। जब फ्रांका रियलाइज करती है कि फोटो कहीं गिर गई, तो वो तुरंत अपनी साइकिल लेकर एंडी के घर जाती है। क्लासरूम में बच्चे उस फोटो को पास करने लगते हैं और आखिर वो एंडी के हाथ में चली जाती है। अब एंडी घबराकर जल्दी से घर की ओर ड्राइव करने लगता है। जब वो अपार्टमेंट बिल्डिंग पर पहुंचता है तो वहाँ फ्रांका की साइकिल पड़ी होती है। वहाँ एक विंडो भी खुली है। वो रियलाइज करता है कि दोनों लड़कियां किसी तरह लॉकर बॉक्स खोल के भाग गई। वो ऊपर जाकर चेक करता है तो क्लेयर वहाँ होती नहीं, ना तो वहाँ क्लेयर होती है और ना ही फ्रांका। तभी ऊपर कुछ आवाजें आती है और एंडी ऊपर जाता है। जब वो ऊपर के अपार्टमेंट में पहुंचता है तो क्लेयर उसे नीचे बुलाती है। एंडी उसे नीचे ढूंढता है लेकिन वो छुप जाती है। जब वो अपने सीक्रेट रूम में पहुंचता है तो क्लेयर उसे पुकारती है और उसकी आंखों के सामने दरवाजा लॉक कर देती है। क्लेयर ने लॉकर बॉक्स से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे। फिर वो फ्रांका को छुड़ाने के लिए दूसरे अपार्टमेंट में जाती है जहां फ्रांका कबर्ड में छुपी हुई है। तभी क्लेयर कबर्ड खोलकर उसको बाहर निकालती है। वो परेशान होती है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसी दिन पुलिस को इन्फॉर्म कर देती। अब क्लेयर उसे दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद के लिए आई हो, यही मेरे लिए काफी है, थैंक यू सो मच। मूवी के आखिर में दिखाते हैं कि क्लेयर बर्लिन शहर की हवा को अपने शरीर पर फील कर रही है। लगभग एक साल उस अपार्टमेंट में कैद रहने के बाद वो फाइनली आजाद हो गई है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर ये मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।